आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पलामू के सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं, लेकिन लालू यादव के रहते ही सर्किट हाउस के एक कमरे में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस घटना में लालू प्रसाद यादव को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि लालू यादव नाश्ता कर रहे थे, इसी बीच उनके सेवादार ने जैसे ही पंखे का स्विच ऑन किया वैसे ही पंखे में करंट दौड़ने लगा और जोरदार धमाके के साथ उसमें आग लग गई। हालांकि सौभाग्य की बात ये रही कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस हादसे में पूरी तरह सुरक्षित हैं। लालू प्रसाद यादव चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक केस के सिलसिले में पलामू आए हैं। गौरतलब है कि 2009 में गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव पर चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में 8 जून को उन्हें पलामू में विशेष MP MLA कोर्ट में भी पेश होना है। वहीं लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया है कि केस में आराम से जमानत मिल जाएगी। आचार संहिता का केस है, 2009 में गढ़वा में जो अपने कैंडिडेट के लिए भाषण देने गए थे उसमें हेलीकॉप्टर जिससे जा रहे थे वो जहाँ हेलीपैड था वहाँ पर उतार के पायलट साहब कहीं दूसरे जगह पर उतार दिए, वही से संबंधित मामला है। तो कोई खास विशेष तो नहीं है? कि नहीं, कोई खास विशेष नहीं है, इसमें बेल पर है, ऑलरेडी हम लोग इस पर बेल ले लिए। वहीं पलामू प्रमंड झारखंड में आरजेडी का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। वर्ष 2004 और 2007 में पलामू लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में राजद के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। पहले मनोज कुमार और उसके बाद घूरन राम ने इस क्षेत्र का लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। बताया जा रहा है कि लालू यादव के पलामू आने से आरजेडी के बिखरते जनाधार को मजबूती मिलेगी, तो वहीं पलामू आने पर कार्यकर्ताओं ने आरजेडी सुप्रीमो का जोरदार स्वागत किया। तुम उधर संभालो, तुम उधर संभालो पप्पू, चेक करवा लिया। वहीं झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की है। सत्यानंद भोक्ता ने दावा किया है कि अब की बार झारखंड में एक बार फिर राजद का झंडा लहराएगा। खोल दीजिए थोड़ा सा खोल दीजिए। जानते हैं हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दिन ऐसे दिन दिए समय पलामू का दिए नीचे थोड़ा सा बहुत तरह से साहब बहुत पलामू जो है अच्छा था सब जी लगे कि हम लोग का अच्छी लगती है और अपनी सौरेज है और सभी पार्टी मजबूती के साथ काम कर इधर आगे भी और मजबूती के साथ काम होगा। आने वाला लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो जलवा दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव के झारखंड आने से पार्टी वर्करों में उत्साह का संचार हुआ है। अब ये वक्त ही बताएगा कि पलामू प्रमंडल में आरजेडी अपनी खोई जमीन किस तरह से हासिल करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पलामू से प्रभुदयाल तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।